तो गाइस आज हमारी जो ब्लॉगिंग की शुरुआत है वो जामा मस्जिद की जो गेट नंबर एक है उसके जो आप गली देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से आज हमारी ब्लॉगिंग की शुरुआत है। और आज अलविदा जुमा भी था और इस वजह से आज हम आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर कितनी भीड़ होती है अलविदा जुमा को और क्या क्या यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। और आज का जो दिन है बहुत ख़ास है हमारे लिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है झालों से और अच्छे लैंप से, जो एक जगमगाट यहाँ पर दिखने को मिल रही है और जो बहुत अच्छा एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पर, जैसा आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो, शरबत मोहब्बत लोग पी रहे हैं। काफ़ी लोग इंटरेस्ट रखते हैं शरबत मोहब्बत पीने में। आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर कितनी लाइटें जगमगा रही हैं। और अगर मैं यहाँ के सामने की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ है और आगे कितनी जगमगाट है, यहाँ पर कितनी लाइटों से इसको सजाया हुआ है और वो भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। बाकी आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, ये भी अभी हमने यहाँ से सिर्फ एंट्रेंस लिया है, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट जामा मस्जिद का एरिया दिखाने वाला हूँ। गेट नंबर एक के सामने जो मार्केट लगी हुई है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा अंदर। तो यहाँ पर आप जगमगाट देख सकते हैं भाई, कितनी अच्छे से यहाँ पर इन्होंने सजावट की हुई है रमज़ान के महीने में खास। और ये रमज़ान के महीने में इसको सजाया जाता है, यहाँ पर इसको एक दुल्हन की तरह इस एरिया को सजाया जाता है, वो मैंने देखा है। क्योंकि मैं यहाँ पर नॉर्मल दिनों में भी आया हूँ और अभी मैं रमज़ान के भी यहाँ पर मैं काफ़ी व्लॉग्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं, तो मैंने देखा है कि इस जिस तरह से इसको सजाया हुआ है एक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको सजाया हुआ है। इसके अंदर लाइटें लगा रखी हैं जो जगमगा रही हैं बीच में, और बाकी लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जिन लोगों ने इफ्तारी कर चुकी है वो यहाँ से लोग रवाना हो रहे हैं। और आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो जामा मस्जिद भी आपको चमक रही होगी किस तरह से लाइट से जगमगा रही है जामा मस्जिद। और बाकी भीड़ की तो अगर मैं बात करूं तो भाई अभी मेरे को थोड़ी चीड़ नज़र आ रही है इस एरिया में, लेकिन जैसे ही जैसे मैं अंदर जा रहा हूं मेरे को यहां पर चलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि अलविदा जुमा भी था आज और अलविदा जुमा की वजह से लोग बहुत बहुत दूर से यहाँ पर प्लानिंग करते हैं आने की। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुरैशी कबाब कॉर्नर जो बहुत फेमस है पुरानी दिल्ली का, और यहाँ पर आप भीड़ भी देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कुरैशी कबाब कॉर्नर पर बहुत भीड़ लगी रहती है, इनके अंदर भी जो शॉप हैं जो इनकी सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पर भी बहुत भीड़ रहती है। और कुरैशी कबाब और उसके बराबर में शाही टुकड़ा, और ये आप इधर देख सकते हैं काफ़ी मार्केट में बहुत भीड़ है यहाँ पर, और मतलब एक अलग ही यहाँ पर माहौल है जो कुरैशी कबाब का है। वो आपने देखा भी होगा मेरी पहली वीडियो में हमने प्रॉपर एक कुरैशी कबाब का ब्लॉग शूट करा था, ठीक है। और उसके बाद में अगर मार्केट की ओर चलूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर लैंप लगे हुए हैं और किस तरह से रोशनी जो आ रही है, एक अलग ही माहौल यहाँ पर, एक मतलब जी लगता है यहाँ पर। और मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकन के किस तरह के पीसेस मतलब यहाँ पर टंगे हुए हैं और टिक्का टंगा हुआ है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। क्या लाइटों का जो जगमगाहट है वो एक अलग ही है, जामा मस्जिद के एक एरिया में इस तरह की लाइटें हैं जो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, एक अलग ही जगमगाहट है यहाँ पर। और आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर कितनी भीड़ बढ़ती जा रही है। जो आप शुरू से अगर मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ का सामना मेरे को करना पड़ रहा है। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और भीड़ इसलिए ही है कि अलविदा जुमा है और लोग काफ़ी दूर से यहाँ पर आते हैं। एक्चुअली हम भी मेरा जो प्लान था, थैंक यू, वो हमारा मेरे कॉलेज का कुछ प्रोजेक्ट था जो अभी मतलब बाकी था, तो उसको मेरे को सबमिट करना था और वो मैंने सबमिट कर दिया आज। तो जब मैं इधर आया तो मैंने सोचा कि अब सबमिट कर तो दिया हमने, लेकिन अभी हमें जब यहाँ पर आए हैं तो प्रॉपर एक व्लॉग भी शूट कर लिया जाए। तो फिर मैंने सोचा आज हमारा रमज़ान भी है और अलविदा जुमा भी है, तो क्यों ना हम इसको अलविदा जुमा को एक अपना बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ शाही टुकड़ा, ठीक है, और ये आप भीड़ देख सकते हैं, ये आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर, और सभी लोग अपना अपना सामान यहाँ पर बेच रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बहुत एक अलग ही मतलब मार्केट का जो नज़ारा है, जी लगता है जब काफ़ी लोग दूर दूर से वीडियोस देख देख कर आते हैं, तो मतलब एक उनको अलग ही माहौल यहाँ पर क्रिएट होता है। क्योंकि ये दिल्ली में कुछ ही इलाकों में मतलब इस तरह का माहौल होता है जहाँ पर सभी लोग मतलब एक साथ खाने के लिए मतलब होते हैं, सभी लोग मतलब यहाँ पर जिस तरह से आपने जामा मस्जिद में देखा होगा सब एक साथ लोग बैठ कर के इफ्तारी करते हैं। और ये मतलब इंडिया में मैं अगर बात करूँ तो ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर
रोज़ा अख्तियार किया जाता है। गेट नंबर एक पर हम पहुंच चुके हैं और हमारे जो कुछ साथी हैं उनसे भी हम मिलेंगे यहाँ पर, उनको आकर के कैसा लगा, काफ़ी लोगों से हम जानेंगे और बात भी करेंगे कि जामा मस्जिद में कैसा लगा। और आज अलविदा जुमा भी है, वो भी हम लोगों से बात करेंगे कि उनको यहाँ पर आकर के कैसा लगा और यहाँ पर आने के लिए कब से प्लानिंग कर रहे थे, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये है जामा मस्जिद का गेट नंबर एक और अभी मैं अंदर जाता हूँ क्योंकि मेरे कुछ साथी अंदर बैठे हैं, क्योंकि जामा मस्जिद का गेट तो वो है वो क्लोज़ हो चुका है, सभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड लोग जो आए हुए हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, कैसा लगा डॉक्टर साहब? ये हमें मिलते रहते हैं, मोहब्बत की बात है जो मतलब हमसे टच हो जाता है। अभी कहाँ जा रहे हो? और मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर इफ्तारी हो चुकी है और लगभग एक से डेढ़ घंटा हो चुका है इफ्तारी को, और उसके बाद भी यहाँ पर कितनी भीड़ है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब यहाँ पर इतनी भीड़ है तो अंदर कितनी भीड़ होगी वो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो, आप यहाँ पर कितनी भीड़ हुई जब गेट पर इतनी भीड़ है। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी भीड़ अभी भी है, मौजूद है। आज अलीम भाई से दो हफ्ते बाद मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा है मिलने के बाद में। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जामजदी कितनी बाहर है आज, और माशाल्लाह आज अलविदा जुमा था उसलिए आज यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ है, और ज़्यादा यहाँ पर अफ्तारी के लिए लोग आए हुए हैं बाहर से, जैसे कि आपका गुड़गांव हुआ, फरीदाबाद हुआ, नोएडा हुआ, और आपका जाकिर नगर, ओखला, बटला हाउस, यहाँ सबसे यहाँ पर इफ्तार करने के लिए आते हैं सब लोग। ये मैं अगर गेट नंबर एक की मैं पौड़ियों पर खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ से नीचे का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर कितनी भीड़ नज़र आ रही है वो तो आपको जब मैं अंदर मार्केट में लेके जाऊँगा पता चल जाएगा, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसा मतलब एक सिर से सिर बज रहा हो। बाकी तो अंदर जाकर के हम आपको दिखाने वाले हैं कि कितना मज़ा आने वाला है, कितना जी लगता है यहाँ पर आकर के। और अगर आप यहाँ पर नहीं आए हो अभी तक तो भाई प्लीज़ एक बार रमज़ान में जामा मस्जिद ज़रूर विज़िट कर लेना, साथ ही साथ यहाँ की मार्केट जो है एक बार वो विज़िट कर लेना। और इस बार नहीं अगर आ पाए जामा मस्जिद में, इस साल नहीं आ पाए तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं दुआ करूँगा आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना जामा मस्जिद में, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर लोगों को आकर के, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनको यहाँ पर रहता है जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं, और यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर इंक्रीज यहाँ पर मतलब डेवलप होती रहती है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि उनको यहाँ पर आकर के कैसा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, दो साल बाद ऐसा क्राउड देखने को मिला, जैसे कि अक्सर रमज़ान मुबारक के महीने में रौनक हुआ करती थी जो दो साल से ख़त्म हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से, वो अब आकर के दो साल बाद जो है खुशी लौटी है लोगों के चेहरे पे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं कुरेशी कबाब, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ रखी है, और ये हमारे सादा भाई जो स्पेशल कुरेशी कबाब खाने आए हैं, और हमारे पप्पा जी हैं जो स्पेशल कुरेशी कबाब खाने आए हैं, ये नज़म भाई हैं जो इस वक्त अपने नंबर का वेट कर रहे हैं कि किस तरह से कब मेरा नंबर आएगा, क्योंकि अभी नंबर है 20 चल रहा है लेकिन इनका जो है वो 28 है। तो हम यहाँ पर काफ़ी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ है कुरेशी कबाब पर। ठीक है, आपने मार्केट तो यहाँ पर देखी होगी, जामा मस्जिद के बिल्कुल फेमस कुरेशी कबाब हैं, और अभी हम अंदर लेके चलते हैं और अंदर का भी माहौल आपको हम दिखाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल इनके कुरेशी कबाब के बराबर में इनकी गली है बारीक सी, मैंने आपको पहले भी दिखाया था और अभी भी मैं दोबारा से फिर दिखा देता हूँ, ये इनकी गली है और यहाँ पर आपको अंदर आके कुरेशी कबाब खा लेने हैं। बहुत अल्टीमेट हैं, इनके तीन सीटिंग अरेंजमेंट इन्होंने करा रखे हैं यहाँ पर, एक तो पूरा फैमिली के लिए, दो पूरा फैमिली के लिए और एक जेंट्स के लिए, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और आगे आगे हमारे डॉक्टर साहब चल रहे हैं, और अभी देख सकते हैं भाई यहाँ पर भी सिटिंग वाले भाई कितनी भीड़ लग रही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई तीनों के तीनों मुझे को फुल नज़र आ रहे हैं, और अंदर आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है, और ये हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और हम यहाँ पर पहले भी आए थे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, और साइड आप देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम पहले भी आए थे और अभी भी हम एक सीटिंग देखने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पर हमें सीट मिल जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें बैठने के लिए मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर इतने लोग वेटिंग में खड़े हैं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि भाई यहाँ पर हमें बैठने को मिलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और सभी लोग वेट कर रहे हैं। भाई वेट कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। अभी तक नहीं आया आपके पास? नहीं, अभी तो डेढ़ घंटा करीब हो गया, अभी वेटिंग में है। नहीं, ये अभी मतलब अभी साफ नहीं हुआ यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ हो रखी है, और अभी हम चल रहे हैं भाई बाहर यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल भी हम वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी भीड़ बनी हुई है। दूसरा सिटिंग है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा फैमिली के लिए होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके कुछ अवार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, और जो इनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये पूरा फैमिली के लिए है। और यहाँ पर भी मतलब ये है कि थोड़ा समय तो लग ही जाता है भाई, कुरेशी कबाब है तो वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि कुरेशी का अब यहाँ पर नाम बड़ा हो गया।
तनाज नसीम गाजियाबाद, बहुत अच्छा, बस रश ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, मतलब कुरैशी कबाब पूरी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर लोग आते हैं खाने के लिए, और क्योंकि इसका जो जायका है वो बहुत अल्टीमेट है, लोग एक बार आते हैं तो सोचते हैं कि भाई हम दोबारा फिर यहाँ पर आएँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, तो भाई यहाँ पर इतनी भीड़ थी, हमें यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिली है, इस वजह से हमें फिर से बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इतनी रहती है। इनके पास अगर तीन यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर इन्होंने किए हुए हैं, अगर यहाँ पर तीन और सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर करवा दिए जाएँ तो शायद मुझे लगता है उसके बाद भी यहाँ पर बैठने की मतलब फिर भी हमें मुशक्कत करनी पड़ेगी। आज मतलब आज हाजी जी खुद लगे हुए हैं अपने हाथों से, वैसे तो आप लोग इनको देखते ही रहते होंगे, लेकिन ये ज़्यादातर कैश काउंटर पर रहते हैं। आज इनके भाई हैं और ये इनके मैन ओनर हैं, और आपने देखा होगा भाई कितनी मेहनत में ये लगे रहते हैं भाई। इतना बड़ा काम होने के बाद भी लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम अपने चेले चपट्टे को छोड़ दें, लेकिन लेकिन ये मतलब खुद ही इतनी मेहनत करते हैं। और आप देख सकते हैं भाई कितने अल्टीमेट, वाह वाह क्या अल्टीमेट नज़ारा था भाई यहाँ का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का माहौल है, जो मतलब लोगों को ये जो अंदाजे हैं इनके ये बहुत पसंद आते हैं, और ये जो मतलब जिस तरह से इनकी जो सिकाई है वो यहाँ पर इनकी पसंद आती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इनके हाथ चल रहे हैं, वो भी आपने देखा होगा, और यहाँ पर कितनी भीड़ है वो भी आपने देखा होगा, और काफ़ी लोग यहाँ पर अभी वेटिंग में हैं, क्योंकि जो इनका वेटिंग है वो अभी 26 चल रहा है। इन यहाँ पर कूपन लेना पड़ता है, यहाँ पर टोकन लेना आपको यहाँ पर पड़ता है, अगर आप कुरैशी कबाब खाना चाहते हो तो आपको टोकन यहाँ पर लेना पड़ेगा, फिर जैसा अपने टोकन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी हम यहाँ से बात कर लेते हैं। शाहरुख बहुत बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल आना चाहिए 101%। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बात करी, वो बोल रहे हैं कि भाई दोबारा यहाँ पर आना चाहिए। ये आप देखते हैं चिकन टिक्का, जो बहुत एक अलग उमदा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे कबाब आ चुके हैं, और अब हम आपको टेस्ट करके बताने वाले हैं कि भाई कैसा क्या टेस्ट है इनका, और मतलब टेस्ट वही है या कुछ बदल चुका है। और ये हमारे सादा भाई अभी इसका रिव्यू करने वाले हैं, जेन्युइन रिव्यू, उसका फीडबैक हमें देंगे और उनसे जानेंगे कि भाई इनका टेस्ट कैसा लगा इनको। ये हमारे खान भाई, बहुत देर के बाद काफ़ी कॉल हम इनको कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पर फाइनली पहुँच चुके हैं, और अभी खान भाई भी टेस्ट कर रहे हैं कुरैशी कबाब का, वो भी हम इनसे जानेंगे। बहुत टेस्टी कबाब है, और हमारे भाई है गुड्डू भाई है, और बहुत अच्छा हमारा ख्याल भी रखता है, अपना स्टाफ है, मतलब अपना बंदा है, आते ही हम हमारे जितना भी पूरा ग्रुप है सभी आते हैं, और डॉक्टर भाई हैं, नजम भाई भी आए हैं, और सभी भाई आए हैं, तो हम मतलब हमारा जितना पूरा डिपार्टमेंट है ना सभी खाते हैं आपका। हमारे फूफा जी से हम बात कर लेते हैं। फूफा कैसे लगे आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छे। आपने पहली बार खाए? पहली बार ही आए हैं, इंशाल्लाह आते रहेंगे, इंशाल्लाह आते रहेंगे, लोगों को भी आना चाहिए, खूब आना चाहिए। और टेस्ट जुगा वैसा की वैसा का वैसा ही जो उससे 12 साल पहले था। बात कर लेते हैं सादा भाई, कैसे लगे आपको कुरैशी कबाब? बहुत बढ़िया है जी, टेस्ट जुगा। दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, रोज लोग बाग जो आस पास के हैं तो डेली आते होंगे। तो आपको कितने टाइम हो गए यहाँ पर आते थे? हमें तो जी एक महीने में दो चक्कर तो लगने लगने। और आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हो भाई, किस तरह से कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, मतलब टोकन ले रहे हैं यहाँ पर टोकन, क्योंकि टोकन लेने के बाद ही आपको यहाँ पर मतलब कबाब मिलता है, तो टोकन लेने के लिए यहाँ पर कितनी भीड़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई। तो गाइस फाइनली हमने कुरैशी कबाब यहाँ पर हमने खा लिए हैं, और ओवरऑल हमें मतलब बहुत टेस्टी मतलब यहाँ पर मेरे को कुरैशी कबाब लगे। हम चिकन पॉइंट के जो फ़िश, यहाँ का जो फ़िश टिक्का है वो आज हम ट्राई करने वाले हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना इन्होंने अच्छे से इन्होंने यहाँ पर सजाया हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अल्टीमेट। यस थैंक यू। और आप देख सकते हैं भाई इनकी वीडियो चिकन पॉइंट, और अभी हम इनकी चिकन फ़िश टिक्का खाने वाले हैं, और अब आपको हम इनका जो फिश टिक्का है वो हम आपको दिखाने वाले हैं कि भाई कितना अल्टीमेट यहाँ पर होने वाला है। और अभी हम सीधा चलते हैं, और आप यहाँ पे मार्केट देख सकते हैं भाई कितनी अल्टीमेट है, और यहाँ पर सभी लोग मतलब अपने अपने चीज़ों में लगे हुए हैं, क्योंकि कोई खाने के लिए आया, क्योंकि यहाँ पर एक इंजॉय भी लोग करने आते हैं, वो भी मतलब एक अलग ही मज़ा आता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर हुई हुई है भाई। बहुत बढ़िया लगा यहाँ का माहौल देख के ना, बहुत खुशी हुई कि सारे हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे आ रखे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं, ये माहौल देख के बहुत खुशी हुई। और इस माहौल के बारे में ये कहना चाहेंगे कि ईद भी अल्लाह ने चाही तो बहुत बढ़िया बनेगी। देखो ये नोटिस कर रहा है डॉक्टर,
जाते हैं। वाह क्या नज़ारा है भाई, वाह अल्टीमेट भाई अल्टीमेट, मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो हमने चिकन पॉइंट का आपको नीचे से दिखाया था वो इनका यहाँ पर कुछ सेटिंग में भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है फिश का, तो यहाँ पर कुछ फिश अभी ट्राई कर रहे हैं। फिश बहुत अल्टीमेट थी, बहुत बेहतरीन टेस्ट था, मज़ा आ गया खा के, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ मछली खानी हो तो ये दुकान है चिकन पॉइंट के नाम से, एक नंबर टेस्ट है, एक नंबर बेहतरीन मछली बना के थी, मज़ा आ गया, सबको आना चाहिए एक बार, दिल्ली आओ तो मछली ज़रूर खाओ। मैंने यहाँ पर सिंघाड़ा फिश खाई है और एक यहाँ पे एक और है उसको बोलते हैं सुरमई फिश, वो मैंने वो ट्राई करी है, उसके बाद में मज़ा आ गया, इतना अल्टीमेट वाकई में जबरदस्त, बस मन करता रहा खाता रहूँ। तो गाइज अभी हम अपने होटल से निकले हैं और अब हम जा रहे हैं जाकिर नगर की मार्केट देखने, और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैंने आपको जो दिखाई है वो जो वहाँ की फेमस चीज़ें हैं वो भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ दोबारा से। और आज मतलब डिमांड पर हम वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि जो मैंने वहाँ पर कवर किया है चाहे वो कुरेशी कबाब हो या फिर पहलवान जी की लस्सी हो या फिर गलावटी कबाब हो, जो मैंने आज कवर किया है, आज जो मेरे साथ मेरे दोस्त आए हुए हैं उनकी डिमांड पर मैं जा रहा हूँ जाकिर नगर, और वहाँ पर हम इन लोगों को गलावटी कबाब खिलवाएंगे और पहलवान जी की लस्सी भी इनको पिलवाएंगे, और इसके बाद भी हम देखेंगे कि मतलब इनको कैसा लगा, क्या इनका रिएक्शन है ये सब चीज़ें खा करके, वो भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने रूम से और जा रहा हूँ मैं अपनी पार्किंग की ओर, क्योंकि गाड़ी हमने अपनी पार्किंग में खड़ी की हुई है जामा मस्जिद की जो पार्किंग है, और काफ़ी मतलब यहाँ पर चहल पहल है। और मैं आपको यहाँ की भी मैंने आपको मतलब मार्केट तो मैंने आपको दिखाई थी जामा मस्जिद की सारी क्या मार्केट है यहाँ पर, और बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं यहाँ पर जो फेमस चीज़ें हैं वो सब चीज़ें खाने के लिए। बाकी अब हम चल रहे हैं जाकिर नगर, और जाकिर नगर की भी हम मार्केट आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर हमारी मतलब हमें मार्केट में को ही जाना पड़ेगा यहाँ निकल के। तो अभी हम मार्केट का कुछ जब मार्केट में हम जा रहे हैं तो मार्केट ही आपको दिखा देते हैं कि मार्केट का कैसा नज़ारा है। वैसे तो आपने काफ़ी वीडियोस में देख लिया होगा क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से मतलब जब से रमज़ान शुरू हुए हैं मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई है, और मतलब हर चीज़ यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है, और काफ़ी टाइम से मैं मतलब आपको अच्छे से यहाँ पर विजुअल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा भी होगा हमारी वीडियोस में हम जामा मस्जिद के हमने कुछ विजुअल्स निकाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई मार्केट का जो माहौल है वो बहुत अल्टीमेट है। यहाँ पर लगभग एक बजने वाला है और एक बजे का जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है लोगों को, और काफ़ी यहाँ पर लोग आते हैं और लोगों के साथ मतलब यहाँ पर लोगों से बात करके यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप टाइम देख सकते हैं भाई यहाँ पर 12:36 हो चुके हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की ओर, तो ये सारा मीना बाज़ार है, यहाँ पर मतलब बैग वगैरह मिलते हैं और यहाँ पर मतलब चप्पल वगैरह यहाँ पर मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं। हम मीना बाज़ार से अंदर हमने एंट्री करी थी तो यहाँ पर आपको कुछ और यहाँ पर आपको बहुत सारी हर तरह की यहाँ पे चप्पल वगैरह मिल जाएंगी, और बाटी भी यहाँ पर शूज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मीना बाज़ार है, और यहाँ पर क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो इसी साइड में खड़ी है तो हमें इसी साइड में हमें जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम मीना बाज़ार से जैसे हमने यहाँ पर एंट्री करी थी तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और आप यहाँ का भी थोड़ा सा नज़ारा देख सकते हो भाई यहाँ पर कितनी चहल पहल है। और ये सामने आप मस्जिद देख सकते हो, उस ताज टी पॉइंट यहाँ पर आपको मिले हैं, और इनका जो K8181। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा पीने वाले हैं चाय, और हम चाय का टेस्ट भी बताने वाले हैं क्या है। भाई हमने इसकी चाय पी है भाई, मज़ा आ गया यार चाय पीने में, बहुत अल्टीमेट थी। इसका जो बंद था ना भाई उसमें जो बटर लगा हुआ था भाई मज़ा आ गया। तो हम पार्किंग में ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, जो हमारी पार्किंग है वो बिल्कुल जामा मस्जिद की जो Gate No. 3 है उसके बिल्कुल बगल में है। अगर आप भी लोग कभी आते हो भाई जामा मस्जिद और आपको पार्किंग की मतलब अच्छी से फैसिलिटी, जो इनकी मेन मार्केट है वहाँ मेन पार्किंग है वहाँ पर आपको पार्किंग में खड़ी करने में प्रॉब्लम आती है, तो जो जामा मस्जिद का Gate No. 3 है उसके बराबर में बिल्कुल पार्किंग है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है Gate No. 3, और हमारी जो गाड़ी है मतलब जो हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है तो वो Gate No. 3 के बिल्कुल यहाँ पर एक पार्किंग है, वो आप देख सकते हैं अंदर। ठीक है, हमारी गाड़ी यहीं पर पार्क है, और अभी हम चलते हैं अपने सीधा गाड़ी की तरफ लेकर के आपको। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास और देखते हैं भाई गाड़ी में हम जाने वाले हैं जाकिर नगर, और जाकिर नगर का ये हमारी गाड़ी खड़ी है सामने, सबकी ही ऑलमोस्ट गाड़ी चली गई है,
सिर्फ हमारी गाड़ी यहाँ पर बची है। तो अब हम बैठने वाले हैं गाड़ी में, तो एक गाड़ी खुल चुकी है अपनी और अब हम बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर। वाओ वाओ, अब मैं आपको गाड़ी के बाद सीधा जाकिर नगर की सैर कराऊंगा। ये आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 3 जामा मस्जिद, और हम यहाँ से बाहर निकलते हुए, तो भाई अब हम निकल चुके हैं बाहर और अभी बस हम मेन रोड पे पहुँचने वाले हैं फरीदाबाद और गुड़गांव, तो अभी हमें जाना है सीधा। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं और हमारा गेट खुल चुका है और हम जाकिर नगर पहुँच चुके हैं। तो गाइस वेलकम टू जाकिर नगर, और अब हम जा रहे हैं जाकिर नगर की मार्केट में। अब मैं आपको जाकिर नगर की मार्केट से अगेन रूबरू कराने वाला हूँ कि इस वक्त, क्योंकि अभी 2:30 बजे हैं लगभग, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ जाकिर नगर की कंप्लीट मार्केट। ये यहाँ पर पुलिस चौकी है, ये आप देख सकते हैं। तो जाकिर नगर की जो मार्केट है वो शुरू होती है ढलान से, आपने जाकिर नगर ढलान का यहाँ पर नाम सुना होगा, तो यही वो ढलान है, आप देख सकते हैं ढलान, यही वो ढलान है जो फेमस है काफ़ी, मतलब अगर जो आप बोलोगे कि भाई ढलान पर जाना है तो आपको यहाँ पर ढलान दिख जाएगा नीचे को चलता हुआ। और बाकी आप, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा मार्केट में और मार्केट का भी नज़ारा दिखाने वाला हूँ इस वक्त का क्या नज़ारा है वहाँ का। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं जाकिर नगर की मार्केट में और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई कितना चहल पहल यहाँ पर हो रहा है। और अभी हम जा रहे हैं गलावटी कबाब खाने, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं क्योंकि गलावटी कबाब बहुत फेमस है यहाँ के। तो आज हम सीधा जाने वाले हैं गलावटी कबाब और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा उनका जायका है। हालांकि हमने उन पर एक ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, लेकिन आज हम गलावटी कबाब भी खाने वाले हैं दोबारा से, क्योंकि भाई अच्छी चीज़ होती है तो दोबारा से क्या उनको चाहे जितनी बार खा लो मन नहीं बढ़ता। तो गाइस गलावटी कबाब हमारे पास पहुँच चुके हैं और अब हम गलावटी कबाब खाएँगे और अच्छे से खाएँगे खूब, उसके बाद हम आपको देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई रोटी भी आ चुकी है भाई और बहुत अच्छा जायका है भाई, तभी हम दोबारा यहाँ पर आए हैं क्योंकि एक बार हम खा चुके हैं यहाँ पर, अभी एक बार और ट्राई करेंगे, अच्छे हैं तभी हम दोबारा यहाँ पर आए। तो गाइज़ हमने गलावटी कबाब भी खा लिए और पहलवान जी की लस्सी और यहाँ पर फालूदा, और हमने यहाँ पर खाए इनकी फालूदा के बाद हमने रसमलाई, भाई बहुत अल्टीमेट थी, मज़ा आ गया इनकी तीनों चीज़ें खा करके पी करके, और बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ का। तो गाइज़ अगर जो आप आ रहे हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना पहलवान जी की लस्सी, आप देख सकते हो भाई यहाँ इनका दूध भी बहुत मशहूर है और वो भी आप पीना यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो गाइस हमने यहाँ पर गलावटी कबाब खाए, कुरेशी कबाब खाए और पहलवान जी की हमने यहाँ पर लस्सी पी है, मतलब मज़ा आ गया। और ओवरऑल अगर मैं जाकिर नगर की बात करूँ तो बहुत अच्छा है यहाँ पर फूड के मामले में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर टेस्ट मेरे को मिला। जैसे हमने जाकिर नगर की तारीफ सुनी थी यहाँ की स्ट्रीट फूड की, वैसे ही हमें यहाँ पर काफ़ी मतलब फूड देखने को मिला और जो उसमें टेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं बरकरार रहा उसके अंदर। तो हम अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और फिर लेकर आऊँगा एक नया ब्लॉग एक नई लोकेशन के साथ, थैंक यू। रात के बज रहे हैं 3:52 और आप यहाँ पर जामा मस्जिद का चहल पहल आप यहाँ पर देख सकते हो, कितनी यहाँ पर चहल पहल है इतना टाइम होने के बाद, क्योंकि अभी एक सहरी का टाइम जो है वो चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सहरी का इस वक्त चल रहा है और 3:50 हो रहे हैं, और आप यहाँ पर चहल पहल देख सकते हैं कितनी है, और आप यहाँ पर ऊपर लैंप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इस जो गेट नंबर 1 के सामने जो मार्केट है उसको किस तरह से सजाया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ें काफ़ी दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर इतनी भीड़ जो है वो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और ये शाही टुकड़ा कूल पॉइंट वाला जो हमने आपको कभी पहले भी अपने पहले भी दिखाया था और आपने देखा होगा, काफ़ी आप लोग इन्जॉय करते होंगे हमारी वीडियोस के अंदर। और ये भी आप यहाँ पर रात की मार्केट देख सकते हैं 3:50 की, जो यहाँ पर लोग आते हैं क्योंकि सेरी का वक्त चल रहा है तो थोड़ा सा मतलब इस टाइम आकर के लोग थोड़ा सा ढीला मतलब थोड़े जाने लगते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं वही यहाँ पर दिखते हैं, वो आप देख सकते हैं इसमें आपको मतलब बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि हमें भी यहाँ पर एक बार आना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ का जो माहौल है यहाँ पर लोग इस तरह से मतलब यहाँ की जो फूड स्ट्रीट है जो मतलब खाना यहाँ पर लोग पसंद करते हैं वो बहुत मतलब लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं पुराने दिल्ली की जो यहाँ पर चीज़ें बनती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी शाही टुकड़ा भी है जिन पर हमने काफ़ी लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, और अभी हम मतलब काफ़ी अंदर तो नहीं जाएंगे लेकिन हम अपनी वीडियोस को यहीं पर एंड करने वाले हैं। तो गाइस हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश करी, यहाँ के जो फेमस स्ट्रीट फूड हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है यहाँ का कुरेशी कबाब, शाही टुकड़ा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं
मैंने सभी कुछ कवर करने की कोशिश करी थी अपनी वीडियोस के अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में जो जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी हैं वो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी आप माहौल देख सकते हैं कितना अल्टीमेट है भाई। अगर जो अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई प्लीज़ एक बार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। थैंक यू। ये आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं भाई, कितना अल्टीमेट है। अभी कुछ जगह खाली है लेकिन भाई जो नज़ारा ऊपर से दिख रहा है वो बहुत अल्टीमेट है भाई। और काफ़ी स्पेस नीचे का भर चुका है और कुछ स्पेस अभी खाली है, वो भी 15 से 20 मिनट के अंदर वो भी भर जाएगा। और सामने आप लाल किला भी देख सकते हैं, लाल किला है और ये बिल्कुल इसका मेन गेट है जामा मस्जिद का। ये पूरा मेन गेट है जामा मस्जिद का आप देख सकते हैं। सामने की जो मार्केट है मेन गेट के, वहाँ की मार्केट भी आप देख सकते हैं भाई कितनी अल्टीमेट है, कितनी भीड़ भाड़ है। क्योंकि जामा मस्जिद में थोड़ी सी भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि सब लोग जो नियरेस्ट होते हैं दिल्ली के वो आते हैं और कुछ लोग बाहर से भी आते हैं आउट ऑफ दिल्ली, तो प्लानिंग करते हैं पूरी तरह आने की। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा भाई कितना अल्टीमेट है और बहुत अच्छे विजुअल्स यहाँ से ले पा रहा हूँ, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि भाई मैं आपको बहुत जल्दी जामा मस्जिद की मीनार की आपको शेयर कराऊँगा, लेकिन यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अल्टीमेट मज़ा आया है क्योंकि ये नज़ारा मैंने पहली बार देखा है यहाँ पर। मतलब नीचे तो मैं काफ़ी टाइम, मतलब आपने देखा होगा ब्लॉग में अक्सर दिखता रहता हूँ, लेकिन जो ये ऊपर से जो नज़ारा दिख रहा है मीनार से, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर ऊपर आकर के। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के। और मैं अगर जो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ का शेयर करूँ तो भाई मैं दोबारा आना चाहूँगा यहाँ पर। और अगर आप भी मतलब जामा मस्जिद आ रहे हो तो भाई मीनार ज़रूर आ जाना। और मीनार का 50 रुपये का टिकट है, ठीक है। वो भाई यहाँ के विजुअल्स जो मैं ले रहा हूँ आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। तो गाइज़ फाइनली मैं मीनार पर आ चुका था और मेरे को मीनार पर आकर के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत भीड़ हो रखी है यहाँ पर, क्योंकि मैं आया था तब तो यहाँ कोई नहीं था, अकेला था मैं जब ऊपर मैंने यहाँ पर आया था। लेकिन जैसा जैसा मैं ऊपर आया तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस बढ़ता चला गया और यहाँ का जो नज़ारा है भाई बहुत अल्टीमेट है भाई। आपको जब मीनार का आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। और अगर जो आपको ये वीडियो में मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं प्लानिंग कर रहा था मीनार पर आने की, मेरा कितने बार मेरा मतलब प्लान चेंज हुआ, कभी मेरे को टिकट नहीं मिल पाया, विंडो बंद हो गई, तो आज फाइनली मैंने ठान लिया था कि भाई आज मैं आपको मीनार पर ज़रूर घुमाऊँगा ज़रूर जामा मस्जिद की मीनार पर। और मैं आज फाइनली मैं पहुँच ही गया था, सबसे पहले पहुँचा था, जब तक तो विंडो भी नहीं खुली थी नमाज़ की वजह से। तो आई होप आपको यहाँ पर यहाँ के जो विजुअल्स है उनको देख करके अच्छा लगा होगा। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। टाइम हो गया भाई 6:25 और अभी हम नीचे जाएंगे और नीचे का नज़ारा देखेंगे, नीचे का क्या है, क्योंकि ऊपर का तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कितना अल्टीमेट नज़ारा है भाई। मज़ा आ गया ऊपर से सारा इफ्तार का जो नीचे देख सकते हैं कितनी भीड़ ऊपर से देख करके मज़ा आ गया। लेकिन अब हम आपको नीचे से भी कुछ विजुअल्स दिखाने वाले हैं जो कि बहुत अल्टीमेट हैं यार, क्योंकि एक माहौल जो है यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको यहाँ से जो मीनार से जैसा नीचे से ऊपर आते हैं और आपको कुछ इस तरह का स्पेस दिखता है, उसके बाद अगर मैं पूरी मीनार की यहाँ पर आपको विजुअल्स दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होंगे। ये देख सकते हैं भाई पूरी जामा मस्जिद, और मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ये पूरा गोल चक्कर है यहाँ का और आप देख सकते हैं भाई जामा मस्जिद एक अल्टीमेट ही है। और ये जामा गुम्बज और ये नीचे का नज़ारा है आपको देख। चलो अब हम भी चलते हैं नीचे, अब नीचे चलते हैं भाई हम, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है हमें ऊपर आए हुए। और अब देख सकते हैं भाई नीचे अंधेरा है, मज़ा आ गया भाई ऊपर के, ऊपर जा कर के ऊपर की विजुअल्स लेकर के। अब मैं चलता हूँ नीचे भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा ऊपर का एक्सपीरियंस। आप ज़रूर आ जाना अगर आप आ रहे हो तो भाई, जामा मस्जिद बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे मोन्यूमेंट्स पर जहाँ पर सब लोग आते हैं ऊपर मीनार पर घूमते हैं। हमने मेरे को तो काफ़ी दिन हो गए थे प्लानिंग कर रहा था लेकिन टाइमिंग का इशू था, मैं नहीं शूट्स कर पा रहा था मीनार के। तो फाइनली आज मैंने मीनार के आपके विजुअल्स दिखा दिए और अब मैं चलता हूँ नीचे। और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा यहाँ पर। और काफ़ी जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई पता नहीं किस तरह की विजुअल्स आएंगे, उससे ज़्यादा ही यहाँ पर मेरे को देखने को मिला। और हम ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गए हैं क्योंकि भाई 120 यहाँ की पेड़ियाँ हैं
जो ऊपर से नीचे आना पड़ता है और नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, अभी तक मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। बहुत लोग थक जाते हैं, बीच में भिड़ जाते हैं, लेकिन मैं नॉन स्टॉप ऊपर गया था और नॉन स्टॉप ही मैं नीचे जाऊँगा। आप देख सकते हैं भाई, ये छोटी छोटी सी पेड़ियाँ हैं जहाँ पर लोग इसी पे को आते हैं और इसी पे को जाते हैं। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं सभी लोग, और अभी देख सकते हैं हम नीचे ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और फाइनली हम गेट पर आ गए हैं। और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं भाई, अभी मैं थोड़े से और विजुअल्स लूँगा भाई यहाँ के। और ये देख सकते हैं भाई, पूरा नज़ारा आप यहाँ का देख सकते हैं भाई, जामा मस्जिद का कितना भर गया है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन अब अगर जो मैं यहाँ की विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूँ तो भाई एक अल्टीमेट ही नज़ारा है यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है और भाई मज़ा आ गया। और ये यहाँ पर गुंबद हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नीचे की ओर, ये आप मीनार का देख सकते हैं ऊपर से। अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने अपना बैग ले लिया और अब हमें जाना है नीचे, तो हम थोड़ा नीचे चल लेते हैं भाई, क्योंकि जो मीनार का जो टाइम था, जामा मस्जिद की जो मीनार का टाइम था वो अब हो चुका था, टाइम पूरा हो चुका था, इस वजह से अब हम जा रहे हैं नीचे। और मैं आपको कुछ और भी विजुअल्स दिखाऊँगा जो बहुत अल्टीमेट दिखने वाले हैं, बहुत अल्टीमेट नज़ारा होने वाला है, वो कुछ ऐसा वाव। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे लोग इफ्तारी कर रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं। और भी मैं यहाँ से और विजुअल्स लूँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो भाई ये यहाँ के शाही इमाम बैठे हैं, आप देख सकते हैं भाई वाइट कुर्ते पजामे में, और यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं भाई, क्या अल्टीमेट नज़ारा है यार। जब मैं यहाँ पर आया था इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज का जो यहाँ का नज़ारा है, आज भी बहुत भीड़ है। और मैं आज आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ तो ऊपर से तो और मज़ा आ रहा है नीचे का देखने में, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मेरे को जामा मस्जिद में। आज मीनार पे मैं रमज़ान के टाइम में मैं फ़र्स्ट टाइम पे मीनार पे आया था, तो आप यहाँ के विजुअल्स देख सकते हैं भाई कितना अल्टीमेट है। और सभी लोग यहाँ पर मतलब इफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं, सब रोज़ा खोलने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पर रोज़ा खोल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आकर के रोज़ा खोल सकता है अपना जिसका रोज़ा है। और अब हम भी चलते हैं नीचे, और मैंने आपको आई थिंक काफ़ी विजुअल्स आपको दिखा दिए, और मैं आपको दिखा दूँ हम यहाँ पर थे भाई सबसे ऊपर थे, और अब हम आ चुके हैं नीचे। ये इनकी पहली मंजिल है, ठीक है, और पहली मंजिल से ही यहाँ पर बहुत अच्छे विजुअल्स मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कर देना। यहाँ की आज का जो नज़ारा है भाई वो बहुत अल्टीमेट है, क्योंकि नीचे से मैं आपको सब कुछ कवर करके नहीं दिखा पाता था, और आज मैं ऊपर जब आ गया तो मैंने यहाँ का नज़ारा आपको दिखाया, तो भाई बहुत अल्टीमेट था। ये आप देख सकते हैं भाई, ड्रोन उड़ा रखा है कुछ लोगों ने यहाँ पर, ड्रोन के यहाँ पर विजुअल्स ले रहे हैं लोग, कितना अल्टीमेट यहाँ पर लग रहा है। देखो भाई कुछ लोगों, क्योंकि जब विजुअल्स लेने होते हैं ना लोग, तो उनको मीनार पर भी जाना पड़ता है और उनको ड्रोन भी उड़ाना पड़ता है भाई, क्योंकि ये शायद हो सकता है भाई सेफ्टी के लिए भी हो, क्योंकि कभी कभी सेफ्टी के लिए भी ड्रोन उड़ाया जाता है, और कभी कभी विजुअल्स लेने के लिए भी ड्रोन को उड़ाया जाता है। तो अब मैं चलता हूँ नीचे, और नीचे कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। और आप यहाँ के विजुअल्स देख सकते हैं भाई कितने अल्टीमेट हैं, और ये आप देख सकते हैं भाई, वे देखने में मज़ा आ गया भाई मेरे को। आज थोड़ा अल्टीमेट नज़ारा है, क्योंकि आज हमने ऊपर से विजुअल्स लिए हैं। डेली तो हम नीचे से अपना व्लॉग शुरुआत करते हैं, लेकिन जो आज की हमारी जो शुरुआत थी वो ऊपर से थी, मीनार से। तो भाई जाहिर सी बात है भाई, हमारा जो व्लॉग है आज का बहुत अल्टीमेट होने वाला है, और आपको बहुत मज़ा आया होगा हमारे व्लॉग को देखने में। काफ़ी हमने कवर करने की कोशिश करी, जहाँ तक मुझे लगा कि हम कवर कर सकते हैं मैंने काफ़ी कुछ कवर किया। लेकिन अब हम थोड़ा नीचे से जा कर के कुछ विजुअल्स ले लेते हैं, और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनको कैसा लगा यहाँ पर आके। तो अब मैं चलता हूँ नीचे की ओर, यहाँ से कुछ बड़ी बड़ी पेड़ियाँ हैं भाई, थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है इन पेड़ियों पर। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ऊपर जा कर के, और मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया पूरी मीनार को, और काफ़ी अच्छे विजुअल्स निकालने की कोशिश करी मैंने। और ये अब हम आ चुके हैं नीचे, और नीचे के मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ इनको कैसा लगा है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और आज मतलब उस हिसाब से जैसे सैटरडे में भीड़ थी, क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे में तो ज़्यादा भीड़ थी, उस दिन के मुकाबले पर अगर मैं आज कंपेयर करूँ तो उस हिसाब से कम है, लेकिन फिर भी बहुत है भाई, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी भीड़ है यहाँ पर।
और काफ़ी लोग आए हुए हैं, क्योंकि मैं कितनी बार आ चुका हूँ तो मेरे को हमेशा नए ही लोग यहाँ पर मिलते हैं, हमेशा नए लोग मिलते हैं मुझे, पुराना लोग कोई बहुत कम मिलते हैं, मतलब बहुत कम लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई हमने आपकी वीडियो देखी थी। और बाकी मेरे को हर कोई यहाँ पर नया दिखता है, कभी भी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर कुछ लोग मेरे को रिपीटेड दिखे हों, यहाँ पर हर बार हर रोज़ यहाँ पर नए लोग आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे मोन्यूमेंट्स पर जब सब लोग मिलजुल के यहाँ पर तैयार करते हैं और सब मिलजुल कर यहाँ पर एक पार्टी जैसा माहौल होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो अगर आप आ रहे हो तो भाई जामा मस्जिद में रोज़ा ज़रूर खोल लेना भाई, और यहाँ पर अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं भाई पूरी पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, और कुछ लोग कोई फल काटता है और कोई बाहर से लेके आता है, तो सब कुछ कुछ कोई खाना लेके आता है घर से, तो पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। और ये आप जामा मस्जिद देख सकते हैं भाई कितनी जगमगा रही है, और बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि उनको यहाँ पर आकर के कैसा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई पूरी फैमिली बैठी हुई है, और ये अपने घर से फल फ्रूट्स लेकर आए थे, और कुछ इन्होंने यहाँ पर आकर के काटे हुए हैं, कुछ इन्होंने यहाँ पर आकर के खरीदे होंगे, तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर अपने फल फ्रूट्स लेके आकर आते हैं, और कुछ लोगों को खुद भी काटने पड़ते हैं बाहर से भी वैसे। और ये देख सकते हैं भाई, ये टैलेंट है भाई। मैम क्या नाम है आपका? इनका नाम माही नाम है। आप स्टूडेंट हो अभी? भाई आप देख सकते हैं भाई ये जो केला है एक अल्टीमेट तरीके से ये काट रहे हैं, क्योंकि इनके पास नाइफ नहीं है तो इस वजह से काम चलाना पड़ रहा है स्पून से। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो यहाँ पे। आप देख सकते हैं भाई इनका कर रहे हैं हम लोग, इनका ओके okay. अच्छा रॉब्जा लेने गई हूँ, तो आप मतलब इनका एक्साइटमेंट देख सकते हो भाई कितना अल्टीमेट है। केले काटने का जो स्टाइल है वो बहुत अल्टीमेट है भाई। अगर आपके पास भी नाइफ ना हो और आपको कभी केले काटने पड़ जाए तो आप यहाँ पर इस चम्मच से काट सकते हो। ठीक है, थैंक यू आप लोगों से बात करने के लिए। अभी हम और लोगों से बात करेंगे और लोगों से विजुअल्स लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और आपने देखा भाई कितनी अल्टीमेट तरीके से लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है बात करने के लिए। कुछ लोग घबरा जाते हैं बात करते करते। और भाई मेरे को यार ये ज़रूर बताना आप लोग मेरे को कहाँ से देख रहे हो, मेरे को लोकेशन ज़रूर शेयर करना कि आप लोग मेरी वीडियोस को कहाँ कहाँ देख रहे हो, कहाँ कहाँ मेरा इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ जामा मस्जिद में आके, वो इतना प्यार जो आप मुझे दिखा रहे हो मेरी वीडियो पर, व्यूज़ जो आ रहे हैं इतनी दूर दूर से, तो आप मुझे ज़रूर मतलब कमेंट्स में बताना कि आप कहाँ से हो। अभी कुछ लोगों की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि अभी देख सकते हैं भाई एक बॉक्स खुलने वाला है, ये पता नहीं क्या है लेकिन इसके अंदर चाट है। बहुत अच्छा लगा भाई, आप देख सकते हैं घर से चाट बनवा कर लेके आए थे, और अभी ये इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, फल फ्रूट्स निकाल रहे हैं भाई प्लेटों में। और आप देख सकते हैं भाई मतलब ये इस तरह से यहाँ पर आकर के मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो ये मोमेंट होता है ना, ये मोमेंट बहुत अल्टीमेट होता है और एक यादगार मोमेंट होता है कि भाई हम जामा मस्जिद गए थे। और मतलब ये एक जो मोमेंट होता है वो बहुत अल्टीमेट होता है, क्योंकि जब बाद में इस मोमेंट को याद करते हैं कि हाँ भाई हम जामा मस्जिद गए थे और हमने वहाँ पर इफ्तारी किया था और वहाँ पर सब लोग इसी तरह से मौजूद थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है जब अगर इस तरह का चीज़ें यहाँ पर करने को मिलती हैं। तो आप भी आओ, आप भी एक्सपीरियंस आप ज़रूर ले लेना भाई। ये आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी फ्रूट्स काटे हुए, भाई खुद ही काटे अपने सारे फ्रूट्स या बाहर से ले गए थे? तो भाई इन्होंने सब भाइयों ने खुद ही फ्रूट्स काटे हैं। और बाकी आप भी आते हो तो भाई आपको भी खुद ही काटने पड़ेंगे, कुछ फ्रूट्स आपको बाहर से मिल जाते हैं तो कुछ फ्रूट्स आपको काटने पड़ जाते हैं। दोस्तों ये है इसका मेन गेट, ठीक है, ये उसका अगर जामा मस्जिद का पूरा मेन गेट है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्पेस है, गेट नंबर 3 ये कहलाया जाता है शायद, गेट नंबर 1 वही कहलाया जाता है जहाँ से हम अपना ऑलवेज अपना ब्लॉग शूट करते हैं। यहाँ से हम एक आपको एक विजुअल्स लेके जाने वाले हैं, देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं भाई गोला हो चुका है, और अभी दोनों मीनारों की लाइटें जलने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाओ, दोनों मीनारों की लाइटें जल चुकी हैं, इसका मतलब यह है कि रोज़ा हो चुका है और अब यहाँ पर अजान हो रही है, आप देख सकते हैं सुन सकते हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली। कहाँ से हैं आप? मैं सिलमपुर से हैं। तो आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं? हर साल आती हूँ रोज़ा खोलने। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। हाँ जी। तो अभी आपको कैसा लगा? अभी बहुत अच्छा लगा है। अभी अल्लाह की रहमत की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी रोज़ा खोल रहे हैं हम सब फैमिली के साथ। तो गाइज आज हम अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और फिर लेकर आऊँगा मैं एक नया ब्लॉग एक नई लोकेशन के साथ। आई होप आपने हमारा आज का जो ब्लॉग है उसको इंटरेस्ट मतलब इन्जॉय किया होगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। भाई मीनार अभी क्लोज़ है, अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, तो इस वजह से अभी नमाज़ के लिए बंद की हुई है। ठीक है, और अभी शायद 2-3 मिनट में यहाँ पर अभी विंडो खुलने वाली है, उसके बाद हम यहाँ से टिकट लेंगे और उसके बाद सीधा ऊपर जाएंगे। भाई भैया से टिकट ले लेते हैं भाई, 50 रुपीज़ की है। फाइनली हमने मीनार की टिकट ले ली है और आप अभी नीचे देख सकते हैं इतनी भीड़ नहीं है और अब हम सीधा मीनार पर जाने वाले हैं। तो टिकट लेने के बाद जैसा ही आप वहाँ से टिकट लेंगे विंडो से, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। मतलब नीचे क्या, आप नीचे से इधर जो इसका गेट है राइट साइड वाला, उस राइट साइड वाले गेट पर जाना है आपको और यहाँ पर बंदे हेल्प कर ही देंगे आपकी जब आप ऊपर जाएंगे। तो ये टिकट काउंटर है, ये लो करवाओ, कहाँ से फोन करवाओ। ये मैंने भैया को टिकट दे दी है और भैया ने टिकट फाड़ के हाफ मेरे को दे रहे हैं और ये मीनार का गेट खुल चुका है। तो अब हम जाते हैं सीधा ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। ये हम मीनार में ऊपर जा रहे हैं, मतलब अभी मीनार में नहीं है, अभी काफ़ी स्पेस है भाई जाने के लिए। तो मतलब फाइनली आज मैंने इधर को नहीं जाना, इधर को जाना है। तो ये देख सकते हैं भाई हम पहली स्टेज कवर कर चुके हैं हम, और आप नीचे का नज़ारा देखो कुछ इस तरह का है और यही नज़ारा आपको ऊपर से मिलने वाला है। जब ऊपर से चढ़ के मैं आपको ये नज़ारा दिखाऊँगा तो भाई मज़ा आने वाला है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं आज हम मीनार पर चढ़ के। और आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ ऊपर से ऐसा है अभी हमें। और अगर जो मैं इधर की बात करूँ तो इधर देख सकते हैं भाई ये पूरी मार्केट है, ये मेन मार्केट जो जामा मस्जिद की। ठीक है, और अब चलते हैं ऊपर। ये आप देख सकते हैं कपड़ा इसलिए लगाया हुआ है ताकि जो गर्म है तो इस पर हम चल सकें, मतलब क्योंकि छत बहुत गर्म रहती है। ठीक है, अभी इन्होंने वहाँ पे तो अभी ताला लगा हुआ है, मतलब आपके लिए मैं इतने पहले आ गया कि मीनार में भी ताला लगा हुआ है, मतलब मीनार प्रॉपर खुली नहीं है। इसलिए मैंने आज जल्दी करी है कि भाई आज मैं सबसे पहले जा कर के कवरेज करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि मीनार से कैसा दिखता है। अभी सामने ताला लगा हुआ है। ठीक है, और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ से मैंने जहाँ लाइनें लगी हुई हैं यहाँ से मैंने टिकट लिया था। ठीक है, अभी ताला खोलने वाला है और ऊपर देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है भाई। तो एक भैया ताला खोलने के लिए आए हैं, अभी ताला खुलते ही फिर हम थोड़ा सा और चलेंगे और उसके बाद फिर देखो आप देख सकते हो कितने ऊपर जाने वाले हैं हम भाई, बहुत ऊँचे है वो। सिर्फ इमेज में लग रही है, फ़ोटो में लग रही है ऐसी है, लेकिन वो बहुत ऊँचे है। अभी चल के देखते हैं भाई कितनी देर में ऊपर पहुंचेंगे। ये ताला खुल चुका है और चढ़ते हैं ऊपर। भाई बहुत बड़ी बड़ी पेड़ियां हैं यार, बहुत धीरे धीरे से चलना पड़ता है इनके ऊपर। तो आप कुछ नज़ारा दे सकते हैं भाई, ये है गुम्बज जामा मस्जिद की, जो मीनार है उसकी गुम्बद है। तो भाई जो आधा टिकट उन्होंने मेरे को नीचे से दिया था, ये आधा टिकट था, आधा उन्होंने फाड़ लिया था। तो आधा यहाँ पर एक अब्बा जी मिलेंगे आपको, उनको आधा टिकट देना है। लीजिए लाओ, बैग नीचे रख दे। और बैग नीचे रखने के लिए बोल रहे हैं, मैं बैग रख देता हूँ नीचे। और इन्होंने बैग के बदले मेरे को टोकन दिया है मेरे को। तो एक मीनार जामा मस्जिद, इस पर देख सकते हैं मीनार जामा मस्जिद दिल्ली।
लगेज नंबर 105। इसका आपको 10 रुपये का चार्ज और देना पड़ेगा अपनी साइड से लगेज का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं भाई, ये गुम्बज कितनी बड़ी लग रही है यार, नीचे से कितनी छोटी सी लगती है, लेकिन अभी हम इसके पास खड़े हैं तो देखो भाई कितनी बड़ी लग रही है यार। आज की वीडियो मज़ा आने वाला है भाई, देख सकते हो गुम्बज कितनी बड़ी है, और ये ऊपर चढ़ने का रास्ता, और ये देख सकते हैं भाई कुछ मीनार है कुछ इस तरह से दिखने वाली है। और अब हम रख लेते हैं पहला कदम, शायद पहला शख्सियत मैं ही होऊंगा जो उसका गेट खोलूंगा। तो मैंने गेट खोल लिया है, उसके बाद अब चलते हैं धीरे धीरे ऊपर। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 120। और भाई ऊपर से नज़ारा देखो यार, कितना अल्टीमेट लग रहा है भाई, थक गया मैं तो। पहले 5 मिनट रेस्ट करूँगा, उसके बाद आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाऊँगा। गाइस अभी देख सकते हैं आप, पूरा खाली है, लेकिन ये अगर हम आपको आधे घंटे के बाद दिखाएंगे तो यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि पैर रखने की भी यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ हो चुकी है, भर चुकी है भाई मीनार, छोटे छोटे बच्चे ये देख सकते हैं भाई नीचे, और भी लोग आ रहे हैं ऊपर। भाई यहाँ पे इतना स्पेस नहीं रहा भाई, यहाँ पर लोगों को जाना पड़ेगा। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई इतनी मीनार भर चुकी है ऊपर से कि लोगों को जीने में खड़ा होके मतलब जीने में खड़ा होना पड़ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से देखेंगे और लोग यहाँ पे है ना, कुछ लोगों से हम बात करेंगे भाई यहाँ पर आके उनको कैसा लगा ऊपर जामा मस्जिद में, क्योंकि 120 पेड़ी ऊपर मतलब चढ़ के आनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर कितनी भीड़ हो चुकी है, भाई कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, 122 है भाई। हाँ यस सर, नहीं नहीं मैं कई बार आ चुका हूँ। कैसा लगता है जब आप मतलब एक 120 पेड़ी चढ़ते हो और उसके बाद एकदम अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हो? अच्छा लगता है भाई। तो गाइज आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं भाई कैसा है, अल्टीमेट है, और कुछ लोग वजू कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, ये देख सकते हो भाई जूम करके कितने करीब आ चुके हैं हमारे। तो आप देख सकते हैं भाई कितना अल्टीमेट नज़ारा है, और जब थोड़ा इफ्तारी का समय हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी ना भाई, यहाँ पर इतना अच्छा मतलब एक अच्छा व्यू आता है यहाँ पर, देखने लायक होता है वो, और बहुत अल्टीमेट होता है। तो अगर आप जामा मस्जिद में आए तो भाई मीनार मिस मत करना, क्योंकि मैं कितने दिनों से आ रहा था लेकिन मेरे को मीनार में जाने का मौका नहीं मिला था, बिकॉज़ मैं थोड़ा लेट हो जाता था, लेकिन आज थोड़ा मैं थोड़ा सवेरा आ गया तो इस वजह से मुझे मीनार पर आने का मौका मिला। तो आप देख सकते हैं भाई नीचे जो लोग हैं कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं वो। भाई आपने देखा था मैं अकेला आया था, लेकिन यहाँ पर आप देखो कितनी भीड़ हो चुकी है भाई, लोग आ रहे हैं और उनको जीने में रुकना पड़ रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई मीनार, नहीं भाई पहली बार नहीं, दूसरी बार हूँ, पिछले साल भी आया था वैसे मैं यहाँ पे। हाँ बहुत अच्छा लगता है भाई, ऊपर आ गए जब इतनी ऊँचाई देखते हैं सबको, देख सकते भाई कितनी तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे कितनी भीड़ होती जा रही है, और नीचे से कितने मतलब इतने छोटे छोटे से लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं बीच में ये वजू करने की हौज है, और आप बाकी ऊपर से नज़ारा देख सकते हो भाई कितना अल्टीमेट है।
और आप यहाँ सामने देख सकते हैं भाई लाल किला। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ ये लाल किला है भाई, आप देख सकते हैं भाई जूम करके मैंने आपको दिखाया है। बाकी आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं भाई कितना अल्टीमेट है, और यहाँ पर जाली लगी हुई है। तो आप इधर ये देख सकते हैं भाई गुम्बज, तीनों गुम्बज हैं इधर, ये देख सकते हैं भाई क्या नज़ारा है। सामने भी एक मीनार है बिल्कुल इतनी ऊंची, वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, वहाँ पर रास्ता बंद किया हुआ है। और इधर मतलब एक मीनार खुली हुई है जिसका 50 रुपये का टिकट है, आप आ सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। और यहाँ पर काफ़ी लोग, इतनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर, ओह माय गॉड। जब मैं यहाँ पर आया था तो भाई मैं बहुत अकेला था, लेकिन आप अभी यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं भाई कितनी हो चुकी है यहाँ पर भीड़। और मैं यहाँ पर एक दो लोग से बात करने की कोशिश करूँगा भाई। यहाँ से आप देख सकते हैं भाई क्या नज़ारा है, क्या अल्टीमेट नज़ारा है। और जो नीचे लोग देखें आपने भाई, कितने छोटे छोटे से लोग दिख रहे हैं। और अभी देखो आप स्पेस खाली है काफ़ी, और कुछ ही देर में यहाँ पर अब से 15 से 20 मिनट में आधे घंटे के बाद स्पेस यहाँ से भर जाएगा, तो बहुत यहाँ पर भीड़ हो जाएगी, बहुत अल्टीमेट नज़ारा होगा यहाँ का। मैं और थोड़ा सा क्लोज़अप लेने की कोशिश करता हूँ। गाइज़ आप ये देख सकते हैं जामा मस्जिद की मार्केट का नज़ारा, कितनी भीड़ हो रही है और किस तरह से लोग ऊपर एंट्री कर रहे हैं। आप मेन गेट भी देख सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट की मैं बात करूँ तो दोनों साइड में झालर लगी हुई है। और ट्रैफिक कितना है भाई वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये पूरी आपको दिल्ली नज़र आ रही होगी यहाँ पर चारों तरफ से, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दिल्ली यहीं पर ही हो। बहुत एक अल्टीमेट मज़ा आता है यार जामा मस्जिद, मतलब मीनार पर ऊपर चढ़ के जामा मस्जिद की, एक ऐसा मन करता है कि मतलब ऊपर से नीचे ही ना जाएं बिल्कुल भी। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ हो रखी है, ये देखिए भाई कितनी भीड़ है भाई यहाँ पर। मीनार इतनी बड़ी नहीं है, मतलब मीनार छोटी ही है, लेकिन आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं भाई कितनी है यहाँ पर भीड़। और कुछ लोग हैं जो अभी तक मेरे साथ आए थे, अभी तक गए नहीं नीचे। मैं भी सोच रहा हूँ अभी तक मैं इफ्तारी के बाद ही, मैं जब मतलब इफ्तारी के टाइम तक ही मैं नीचे जाऊँगा, क्योंकि ऊपर से जो नज़ारा होगा इफ्तारी तक वो बहुत अल्टीमेट होने वाला है। आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी भीड़ हो चुकी है, और मैं थोड़ा सा अभी और रुकूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं ताकि सिर्फ तुम्हारे लिए क्या, ताकि मैं एक अच्छे विजुअल्स यहाँ पर ले सकूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा और रुकना पड़ेगा यहाँ पर। गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ होना शुरू हो गई है धीरे धीरे, और सफ़े भी बिछने शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं परे लाइनें लगने शुरू हो गई हैं इफ्तार के लिए, और बीच में आपको ये होज नज़र आ रही होगी जिसमें ग्रीन ग्रीन सा पानी आपको दिख रहा होगा। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अल्टीमेट नज़ारा है भाई ऊपर का।
और मेरे आप राइट साइड में देखो जिधर पानी हो रहा है वो है पूरा वज़ू खाना, वहाँ पर भी वज़ू कर सकते हैं। और ये जो बीच में होज बनी हुई है भाई, यहाँ पर भी लोग वज़ू करते हैं, तो आप यहाँ पर भी वज़ू कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर से जो नज़ारा दिख रहा है, बाकी जो अगर जो मैं पूरी दिल्ली को देखूँ यहाँ से, तो भाई बहुत अल्टीमेट है यार, एक अच्छा विजुअल्स ये आप देख सकते हैं भाई, कितनी अल्टीमेट है दिल्ली यहाँ से। और पूरी मार्केट नज़र आ रही है ऊपर से नीचे के लिए, ऊपर से नीचे तक पूरी मार्केट नज़र आ रही है। बाकी ऊपर आकर के इतना अल्टीमेट लगा है भाई, जो हवा चल रही है ना बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ से पूरी। देखो आप देख सकते हैं, बालों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर ऊपर, मतलब एक अलग ही अल्टीमेट मज़ा है, एक मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर आकर के। और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने अपने फ़ोटो में मज़ा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई विजुअल्स ले रहा है, कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पर हर कोई व्यस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, पुरानी दिल्ली कितनी अल्टीमेट लग रही है, जो घर बने हुए हैं बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ऊँचे खड़े हैं, काफ़ी ऊँचे हम खड़े हैं मीनार पर। और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं भाई, पूरे मार्केट में कितनी भीड़ है भाई, बहुत भीड़ नज़र आ रही है। इधर ट्रैफिक भी है और लोग पैदल भी चल रहे हैं, और साइड में लोगों ने ठेले भी लगाई हुई हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं इसके अंदर, वाह अल्टीमेट नज़ारा है भाई, अल्टीमेट नज़ारा है। अगर आप जामा मस्जिद आते हो तो भाई थोड़ा सा आधे घंटा पहले आ जाना, ताकि आपको मीनार खुली मिल जाए, क्योंकि रमज़ान के टाइम में क्या होता है कि मीनार जल्दी ही बंद हो जाती है, इफ्तार से पहले पहले ही, काफ़ी टाइम पहले ही मतलब बंद हो जाती है, तो इस वजह से लोग ऊपर नहीं आ पाते, और यहाँ का जो आनंद है, आनंद जो है यहाँ का इन्जॉयमेंट नहीं कर पाते ऊपर आकर के। तो इस वजह से आप मतलब मुझे जब से मैं जामा मस्जिद को कवर कर रहा हूँ, कभी मुझे ही मतलब आज 8 से 9 पता नहीं 10 दिन के बाद मुझे आज मेरे को ऊपर आना मिला। और मैं आपसे हर वीडियो में डिस्कशन भी करता था कि मैं आपको मीनार पर ज़रूर लेके जाऊँगा, लेकिन आज फाइनली मैं मीनार पर पहुँच गया था। तो आप यहाँ के विजुअल्स देख सकते हैं भाई, कितने अल्टीमेट हैं, क्या नज़ारा है भाई यहाँ का, और हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर। और मैं थोड़ा सा नीचे की ओर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, तो कुछ नज़ारा ऐसा है आप देख सकते हैं भाई, और भी भीड़ होने लग रही है धीरे धीरे, और स्पेस जो है वो फुल होने लग रहा है धीरे धीरे, काफ़ी स्पेस यहाँ पर भर चुका है। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो इतना स्पेस नहीं था, लेकिन अभी आप स्पेस देख सकते हैं कितना भर चुका है। और बाकी हम कुछ लोगों से डिस्कशन करेंगे कि भाई वो मीनार पर आकर के कैसा लगा, तो आप नज़ारा देख सकते हैं ऊपर से कितना अल्टीमेट है भाई। भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी भीड़ रखी है, आज संडे है तो इस वजह से आप यहाँ पर का जो माहौल है कितना अच्छा है, कितना आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ जीने में ही। और हम आपको सारी अंदर की भी प्रक्रिया दिखाने वाले हैं कि आज यहाँ पर कितनी भीड़ क्यों है, क्योंकि आज ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि संडे है आज। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं नीचे कितनी भीड़ हो रही है, और अभी हम चलते हैं ऊपर और यहाँ पर देख सकते हैं भाई अंदर जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिल रहा है भाई। यहाँ पर देख सकते हैं भाई यहाँ पर कितनी भीड़ हो रखी है, और गेट में भी मतलब आप देख सकते हैं भाई यहाँ कितनी भीड़ हो रही है भाई, क्योंकि आज संडे है तो संडे की वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ है, अंदर जाने में भी बहुत समय लग रहा है। बाकी तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं नीचे कितनी भीड़ है भाई, नहीं जा जा रहा है यहाँ की, आज बहुत भीड़ है संडे की वजह से। यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है।
आज जो भीड़ है वो इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी जामा मस्जिद में जितनी आज यहाँ पर भीड़ हो रखी है, क्योंकि आज यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। मेन गेट में ही लोग बहुत सारे मतलब चप्पल जूते लेकर के खड़े हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी आने का मौका नहीं मिल रहा। हम जो आए हैं हम बिल्कुल अंदर वाली साइड से आए हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन आज इतनी भीड़ होने की वजह यही है कि भाई आज संडे भी है और कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई उनका क्या मतलब क्या कहना है आज वो यहाँ पर आए हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो मतलब जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जो फ्री में यहाँ पर मिलता है, यहाँ पे इनकी भीड़ देख सकते हो आप। और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और देख सकते हैं भाई आज यहाँ पर मैं तो भीड़ के अलावा कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कितनी भीड़ है, लेकिन बाकी में यहाँ आज अल्टीमेट भीड़ है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, भाई आज इतनी भीड़ होने की खास वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आज भीड़ इसलिए क्योंकि एक तो संडे का दिन है, आज संडे को मतलब ऐसा होता है ना, पुरानी दिल्ली वाले सोचते हैं कि आज वीकेंड है तो वीकेंड में जो है जामा मस्जिद में जाके रोज़ा खोलेंगे, और रमज़ान का आखिरी अशरा भी चल रहा है, तो इस वजह से संडे में काफ़ी भीड़ है और वीकेंड पे सैटरडे संडे यहाँ पे क्राउड रहता ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर आज, आज पैर रखने की जगह नहीं है, गेट से भी एंट्री नहीं हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं भाई, हमने जूम पर जोर डाला है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है वहाँ पर, सब लोग जूते अपने हाथ में ले पड़े हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज कितनी भीड़ है, आज मतलब हद से ज़्यादा अल्टीमेट भीड़ है। लोगों से बात करने के बाद यही पता चला है कि यहाँ पर जो आज भीड़ है वो संडे की वजह से है, और ये सैटरडे संडे यहाँ पर वीकेंड में बहुत भीड़ रहती है, जिस वजह से आज यहाँ पर इतनी भीड़ है। और रमज़ान का लास्ट भी चल रहा है, तो सब लोगों की जो तमन्ना है वो सोचते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हम जामा मस्जिद में रोज़ा इफ्तार करें, और रोज़ा इफ्तार करके यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है लोगों को। और बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे इफ्तार के बाद, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है। मोहम्मद शावेस जी, यहाँ से कुछ अलग सा फील होता है, 20-21 रोजे घर के रखे तो बाहर आके कुछ मन सा हल्का हो जाता है, यहाँ से मज़ा आता है, कुछ ज़्यादा सवाब मिलता है। संडे को लोग फ्री रहते हैं इसलिए तो घर से बाहर निकल के करते हैं। मोहम्मद के बहुत अच्छा माशाल्लाह। कुछ लोग यहाँ पर फ्रेंड लोगों का मतलब पूरा ग्रुप आता है, पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं इफ्तार के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी आज इतनी भीड़ हो रखी है यहाँ पर, इतना मतलब यहाँ पर जो क्राउड है बहुत अल्टीमेट है आज का यहाँ का क्राउड। आज का दिन बहुत यादगार रहेगा मेरे लिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और बहुत बहुत दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, मतलब नियरेस्ट तो यहाँ पर जो सिलमपुर, जाफराबाद और जाकिर नगर, मतलब इस तरह के इलाकों से तो आते हैं यहाँ पर लोग, लेकिन यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं बाहर से, आउट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली NCR में आते हैं, जो लगभग 100-150 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ से भी बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। हमारा नाम है मोहम्मद उमर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, हम हर साल आते हैं। मोहम्मद हसन। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ गाज़ियाबाद से हैं। तो आप
आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। हाँ पहली बार आया हूँ, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, आया तो हूँ पहले भी। बहुत अच्छा लग रहा है, अब सब कुछ पहले जैसा बाहर सी लग रही है, अच्छा लग रहा है। रमज़ान का तो यही मैसेज है, नमाज रमज़ान रखो और नमाज पढ़ो, बस यही हो। शहीद नगर सीमापुरी के टच में शहीद नगर पड़ता है ना, बहुत बढ़िया। आपको मुबारकबाद हो, रमज़ान मुबारक हो सबको। बहुत अच्छा लगा भाई आपको, यही कहना चाहता हूँ यहाँ पर आए और आने के बाद देखें यहाँ बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सुकून भी मिलता है। मैसेज का मेरा यही मैसेज है कि भाई देखें मुसलमान तो किस तरीके से एकता है इनमें, और कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, साथ में रहते हैं। ये आप देख सकते हैं भाई क्या नज़ारा है जामा मस्जिद का, और यहाँ पर अभी तक भी भीड़ नहीं टूटी है। लगातार जब से रोजा का समय होता हुआ है, जब से यहाँ पर हम देख रहे हैं तो लगातार यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। अब बस धीरे धीरे लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पे कि भाई उनको यहाँ पर कैसा लगा यहाँ पर आके। मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा, काफ़ी दुख होता है कि हमारे कुछ भाई लोग जो हैं जो इस जगह तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, रोजा तैयार ही नहीं कर पाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो हम जकात निकालते हैं, फितरा निकालते हैं, उन तक पहुँचे वो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम गरीब लोग हैं जो भी हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के उनके पास तक पैसे पहुंचाने चाहिए हमें, और उनकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो भी रोजा अख्तियार करें और वो भी ऐसी जगह पर उन्हें भी नसीब हो रोजा अख्तियार। रमज़ान के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा लोगों कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जामा मस्जिद में आके अपना मतलब इन्जॉयमेंट करें, यहाँ पर रोज़ा अफ्तार करें। यहाँ पर इतना इतना मज़ा आता है रोज़ा अफ्तार करने में लोगों को, जो लोग काफ़ी दूर रहते हैं वो लोग जामा मस्जिद आ नहीं पाते। लेकिन मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ और देखें कि यहाँ पे कितना मज़ा आता है, कितनी मतलब खुली हवा और कितना अमेजिंग प्लेस है ये, यहाँ पे रोज़ा खोलने में कितना मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे को तो आज कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया है, मैं यहाँ पे रमज़ान जब से स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे मैं आज आया हूँ यहाँ पे, और इतना इतना मज़ा आया है मेरे को कि मैं कुछ बता नहीं सकता। इसलिए मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि रमज़ानों के महीने में रोज़ नहीं, लेकिन रमज़ान के महीने में एक दिन यहाँ पे अफ्तारी करने आएँ और यहाँ पे फील करें कि कितना मज़ा आता है यहाँ पे अफ्तारी करने में। मेरा नाम मोहम्मद काजिम, रोज़ा खोलकर बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक महीने में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और रोज़ा इफ्तार करने के लिए यहाँ पर हमारी मस्तूरात भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे बुज़ुर्ग हमारे नौजवान साथी वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और सभी ने मिलकर रोज़ा खोला, रोज़ा इफ्तार किया, बड़ा अच्छा लगा। इस मौके पर ये देखकर बड़ी खूबसूरत तरीके से जिस तरीके से जमा मस्जिद को सजाया गया है और जमा मस्जिद के बारे में जिस तरीके से इतिहास में लिखा हुआ है, इतिहास के पन्नों में जो जमा मस्जिद के बारे में लिखा हुआ उसी तरीके से आज ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग आए और आकर रोज़ा इफ्तार किया और रमज़ानुल मुबारक महीने की ये बहुत बड़ी बरकत है। और बहुत बड़ा आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब किसी किसी को होता है, मगर रोज़ा भी नसीब किसी किसी को होता है। रोज़ा हर किसी को नसीब नहीं होता, तो जिनको रोज़ा नसीब होता है बड़ी बरकत की बात है, अल्लाह का शुक्र और एहसान अदा करना चाहिए कि हमें रोज़ा नसीब हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक महीने के अंदर मस्जिद में आकर रोज़ा इफ्तार किया, बड़ा अच्छा लगा। दो साल से पहले तो हम सब अपने घर में ही थे, कुछ भी नहीं, मतलब अपने घर में ही अपना इफ्तार कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे ना, हम रौनक मिस कर रहे थे हम, और यहाँ की बरकत भी मिस कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर आकर हमें अपने पुराने दिन याद आ गए, बचपन हमारा याद आ गया हमें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अपना। हम बहुत छोटे से थे, हम तब से आ रहे हैं, तो अब ये तो रौनक ही है रमज़ान की। अगर आपकी तमन्ना रह जाती है यहाँ पर आने की तो एक बार कोशिश करें आने की, वरना कोई बात नहीं, रील्स बहुत बनती हैं, फ़ोटोज़ बहुत आते हैं, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, सब देखते हैं यहाँ, सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, तो आप उन्हें वहीं पर ही देख लीजिए, कोई बात नहीं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मलिक है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा हमें, और हम दो साल से आ नहीं रहे थे यहाँ पर, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, खाली खाली सा लग रहा था, सुना सुना सा लग रहा था, अब आके बहुत अच्छा लगा है, यहाँ की रौनक देख के हमें बहुत अच्छा लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबीना है। आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ कठिनाइयों का तो ये सामना करना पड़ा है कि गला भी घुट गया है पट्टे से, बच्चे फंस गए हमारा, वरना आपसे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं, इसी बार ऐसा हुआ है, और क्योंकि दो साल बाद में आए तो यहाँ पर ऐसा लगा है, मतलब कि इतनी कठिनाइयों का सामना हुआ है। मैं ये तो यही कहना चाहूँगी कि आओ यहाँ पर आके खुशी मनाओ, यहाँ का इंजॉय करो,
रौनक देखो यहाँ की, क्योंकि हम तो यहाँ बचपन से आते हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह हर साल लेकर आए और सबको ये दिन खुशहाली के साथ में मुबारक कराए और ईद भी मुबारक करे अल्लाह पाक। बारिश नाम है भाई। बारिश जी भाई, कैसा लगा आपको यहाँ? भाई बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, इतने सारे लोग हैं, रौनक है यहाँ पर, इफ्तार करा हम लोगों ने, काफ़ी खाना वाना खाया था। आज कैसा रहा आपका जैसा आज यहाँ पर इतनी भीड़? मतलब काफ़ी बेटर रहा यार, यहाँ पर तो ऑफिस वगैरह रहता है, जॉब तो आज संडे, ऐसा लगा फुल संडे हो गया हमारा, इन्जॉय हो गया यहाँ पर। भाई उनको भी यहाँ पर आना चाहिए टाइम निकाल के, वरना लाइफ तो तुम्हें पता चली जाएगी ऐसी। तो गाइस आज यहाँ पर हमने देखा बहुत भीड़ थी और आज का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अल्टीमेट था। मतलब क्योंकि आज भाई जाने का भी रास्ता अंदर नहीं मिल रहा था, और आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी आए थे मेरठ से, काजिम मोहम्मद काजिम थे, और उनको भी मतलब ये जो आज का जो नज़ारा था देखने को मिला। क्योंकि जनरली जब नॉर्मल डेज होते हैं तो इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी, क्योंकि वीकेंड भी था, संडे की वजह से आज यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। और आज हम काजिम भाई से भी, भाई आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? आप काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा लगा है, रोज़ा इफ्तार किया वो काफ़ी अच्छा लगा, और आपके साथ में रहकर भी काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच भाई। काजिम भाई ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इधर और भी भाई खड़े हैं, भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरदीन। कैसा लगा आज आपको? सर बहुत मज़ा आया गाइस, वैसे तो बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड हो रहा है, पर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जैसे जैसे रोज़ा बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह से, बहुत बढ़िया हुआ। तो भाई अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, और आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं आज कितनी है। आज संडे की वजह से यहाँ पर बहुत भीड़ थी, और यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि भाई आज इतनी भीड़ हो सकती है। आज जमा मस्जिद में भी मतलब जो रोज़ा इफ्तार करते हैं जहाँ पर, वहाँ पर भी आज मतलब जो स्पेस था सारा का सारा स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई था। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अब लगभग 8:30 बज चुके हैं, और यहाँ से सभी लोग बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। और आप ये देख सकते हैं कितनी यहाँ पर भीड़ हो रही है और कितनी यहाँ पर सजावट हो रही है, अभी देख सकते हैं आप ऊपर की ओर। और ये पूरा मतलब जामा मस्जिद का इलाका है, ये पूरा रोड है, ये तो हमारी हम गली नंबर 1 में नहीं गए, वहाँ पर तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर इंसान पैदल भी नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ पर ये है कि थोड़ा धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं आगे। और अभी हमें जाना सीधा पार्किंग में, और पार्किंग से अपनी गाड़ी लेनी है, और बस उसके बाद हम अपने घर निकल जाएंगे। बाकी हम आपको जो जितने भी सारे विजुअल्स हैं हम आपको जल्दी दिखाएंगे, और हमारा कैसा एक्सपीरियंस यहाँ रहा का, कैसा लोगों का एक्सपीरियंस रहा, उनसे भी हमने लोगों से बहुत बात करी है यहाँ पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर।